मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। आमिर से लेकर अक्षय तक पानी को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं ये बॉलीवुड स्टार। आमिर खान अपनी फिल्मों के अलावा सोशल मुद्दों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वो महाराष्ट्र में पानी की समस्या से जूझते लोगों की मदद कर रहे हैं। आमिर ने पानी फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई है। कुछ महीने पहले 45 मिनट के एक एपिसोड में किरण और आमिर पानी की समस्या पर बात करते हुए नजर आए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके प्रयास से कई गाँवों को फायदा पहुँचा है। साल 2017 में फरहान अख्तर ने एक सोशल कैंपेन ज्वाइन किया था। ये कैंपेन पानी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इस सोशल कैंपेन का नाम मिशन ब्लू है। अक्षय कुमार ने साल 2015 में जलयुक्त शिविर अभियान को 50 लाख रुपए डोनेट किए थे। ये संस्था सूखा प्रभावित गाँवों में तालाब बनवाने और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को प्रमोट करने का काम करती है। नाना पाटेकर ने मराठी एक्टर मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन अब महाराष्ट्र के किसानों के हालातों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्टर और डायरेक्टर नंदिता दास वाटर हार्वेस्टिंग और पानी बचाने के लिए काफी काम कर रही हैं। सुनील ग्रोवर ने उड़ाया कटरीना के टॉवल पोज का मजाक। हाल ही में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने को एक्टर अक्षय के साथ एक तस्वीर शेयर करके हलचल मचा दी थी। इस तस्वीर में अक्षय और कैटरीना अपने सिर पर तौलिया लपेटे काफी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ नजर आ रहे थे। अब एक बार फिर कैटरीना कैफ ने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फैंस के साथ शेयर की है। हालांकि इस बार फोटो में अक्षय की जगह कॉमेडियन सुनील ग्रोवर है। सुनील की ये फोटो भी कैटक्की की तस्वीर की तरह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर वाली है। इसे कैटरीना कैफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया था। तस्वीर पर कैटरीना ने लिखा है, सुनील ग्रोवर ने मेरी टॉवल सीरीज से इंस्पिरेशन ली है। फिल्म कबीर सिंह की सक्सेस से खुश कियारा आडवाणी ने पेरेंट्स संग काटा केक। फिल्म कबीर सिंह ने 6 दिन में 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की सफलता से लीड एक्ट्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं है। कियारा आडवाणी ने फिल्म के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद पेरेंट संग पार्टी की। कियारा की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो पेरेंट संग केक काटकर जश्न मना रही हैं। इन तस्वीरों में कियारा आडवाणी की खुशी देखते ही बनती है। कबीर सिंह में कियारा ने प्रीति का रोल निभाया है, वो शाहिद की लव इंटरेस्ट बनी है। कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी नेटफ्लिक्स की फिल्म गिल्टी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगी। दबंग 3 में विनोद खन्ना की जगह उनके भाई निभाएंगे सलमान के पिता का किरदार। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म के दोनों पार्ट में सलमान के पिता का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था। वहीं कुछ समय पहले ही विनोद खन्ना का निधन हो गया था, जिसके बाद सब ये जानना चाहते थे कि अब फिल्म में सलमान के पिता का किरदार कौन निभाएगा। तो अब इसका जवाब भी सामने आ गया है। दरअसल सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा और डायरेक्टर प्रभु देवा नजर आ रहे हैं। तीनों ने वीडियो में ये खुलासा किया है कि फिल्म में सलमान के पिता का रोल विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना निभाएंगे। 11 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करेंगी शिल्पा शेट्टी। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने इस बात का इशारा किया कि वो 11 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करेंगी। उनके पास अभी कई फिल्मों की स्क्रिप्ट है। अपने कमबैक को लेकर शिल्पा ने कहा कि अब वो इस तरफ पूरा ध्यान लगा रही हैं। शिल्पा के मुताबिक वो इस समय 3 फिल्मों की कहानियां पढ़ रही हैं। इसके अलावा शिल्पा का मानना है कि भले ही वो फिल्मों में वापसी करेंगी, लेकिन उनका परिवार और बच्चा हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगा। शिल्पा कहती हैं कि अब उनका बेटा व्यान इतना बड़ा हो गया है और वह ज्यादातर समय स्कूल में रहता है, इसी वजह से वो अपने काम पर भी फोकस कर सकती हैं। लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के पीछे शिल्पा बताती हैं कि व्यान काफी छोटा था और उस समय सिर्फ उसे मेरी जरूरत थी। मैं अपना पूरा ध्यान उसी पर देना चाहती थी और मुझे इस बात को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। बेटे के लिए अमेरिका में कॉलेज तलाश रही है माधुरी दीक्षित। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पति श्री राम नेने और दोनों बेटों संग छुट्टियां मना रही हैं। हाल ही में माधुरी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो परिवार संग रोम में थी। अभी वो पति बेटे रियान और एरिन के साथ न्यूयॉर्क में हैं। अब वो बड़े बेटे के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढ रही हैं। उनके बड़े बेटे एरिन की स्कूलिंग जल्द ही खत्म होने वाली है, ऐसे में वो बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क में अच्छे कॉलेज की तलाश कर रही हैं। माधुरी के पति श्री राम नेने ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में नजर आ रहे हैं। इससे पहले माधुरी ने परिवार संग वैकेशन की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वो अलग अलग जगहों पर पोज करती और बच्चों संग समय बिताती नजर आई थीं। कियारा आडवाणी के हाथ लगा एक और बड़ा प्रोजेक्ट।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की किस्मत के सितारे इन दिनों ज्यादा ही चमकदार हैं। अभी वो अपनी हालिया रिलीज फिल्म कबीर सिंह को लेकर सुर्खियों में हैं। वहीं अब उनका ये नया लुक इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। जी हाँ, कियारा को कबीर सिंह के हिट होते ही करण जौहर का अगला प्रोजेक्ट मिल चुका है। करण ने खुद इस प्रोजेक्ट से कियारा का फर्स्ट लुक जारी किया है, जहाँ कियारा कबीर सिंह में सीधी सादी लड़की के किरदार में नजर आ रही है। इस नए लुक में वो काफी तेज तर्रार दिख रही है। कियारा का ये लुक जारी करते हुए करण ने अपनी आने वाली फिल्म का ऐलान भी कर दिया है। करण जौहर ने एक्ट्रेस का लुक शेयर करते हुए कहा कि कियारा आडवाणी बहुत जल्द गिल्टी फिल्म में दिखाई देंगी। लंदन में वैकेशन एंजॉय कर रही है सृष्टि रोड़े। सृष्टि रोड़े इन दिनों लंदन में वैकेशन एंजॉय कर रही हैं। वहीं उन्होंने अपना फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट की तस्वीरों में सृष्टि ने डिजाइनर ऑफ शोल्डर पिंक ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं। ड्रेस के साथ उन्होंने लाइट मेकअप और खुले बाल किए हुए हैं, जो उनके लुक को परफेक्ट बना रहे हैं। डिजाइनर ऑफ शोल्डर पिंक ड्रेस पहने वो मुस्कुराते हुए सेक्सी पोज भी दे रही हैं। उनके लुक को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मायापुरी न्यूज डील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।